Hi friends, welcome again to my channel Nini Zenst. I am Nini Arora, fashion stylist, stand-up beauty expert. So आज एक ऐसे फ्रूट की बात करने जा रही हूँ जो बारहों सीजन मिलता है, बारहों महीने मिलता है. नहीं, वो एप्पल नहीं है, दैट इज पपाया. और पपाया कितना फ्रूटफुल है इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, बिकॉज उसके इतने अमेजिंग अमेजिंग फ़ायदे हैं जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं. वो रिंकल्स को दूर करता है, आपके मिलाज़मा की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपके स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, एजिंग के साइंस को दूर करता है और साथ में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है. जब आप इसको एवरीडे अपने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं तो इंटरनली ये आपको ग्लो देता है और साथ में आपका वेट भी कंट्रोल में रखता है. में इट्स वेरी रिच इन फाइबर जो आपको आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से दूर रहता है. बट नेचुरल, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपका स्किन कभी भी ग्लो नहीं कर सकता. सो दैट इज़ द बेस्ट फ्रूट टू रिमूव योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम. और साथ में इट्स फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन ए, जो दोनों आपके स्किन के ग्लो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. और ये हमारे स्किन के कोलाजन को भी बूस्ट अप करता है. जो हम लोग रेटिनॉल की क्रीम्स यूज़ करते हैं उनको आपको ज़रूरत ही नहीं है. जब आप एवरीडे की डाइट में पपाया खाएंगे और लगाएंगे तो आपको रेटिनॉल की क्रीम्स को कर देना है बाय बाय, बिकॉज इसमें आपको सारे वो गुण मिलेंगे जिसके लिए आप रेटिनॉल क्रीम्स को यूज़ करते हैं. और साथ में ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आप इसको हेयर में लगाते हैं तो आपके हेयर पे बहुत अच्छी शाइन आने लगती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है. चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत इजी प्रोसेस बताने वाली हूँ जिससे आप एवरीडे आपको पपाया को छीलने की, काटने की, मेजअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको ईज़िली एवरी डे अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. लव योरसेल्फ. तो फ्रेंड्स, ये जो आप पपाया खाते हैं और उसके ऊपर जो ये लेयर निकलती है छिलके के ऊपर में से, ये लेयर आप निकाल कर फेंक देते हैं तो अब से आप इसको नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि आपको मैं एक बहुत अच्छी स्किन की केयर की एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो आपके इस चीज़ को वेस्ट नहीं करेगी. और जो इसके ऊपर जो ये वाइट वाला पार्ट होता है, ये स्किन के लिए बहुत अमेजिंग कोलाजन को बूस्ट अप करने का काम करता है. तो मैं इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर इसको पीसने वाली हूँ और उसके साथ मैं एक बहुत अमेजिंग चीज़ बनाने वाली हूँ. तो आप देखिए कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है कि हम आगे से इसको कभी भी फेंक नहीं पाएंगे कूड़े में, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है स्किन के ऊपर. फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से और इसका ये ऐसे पल्प, ये एलोवेरा जूस के साथ मैंने, एलोवेरा जेल के साथ मिला लिया है मैंने. और अब मैं इसको डालने वाली एक ट्रे में और इसमें बनेगा आपकी आइस क्यूब्स जो आप अपने फेस पर एनी टाइम फ्रिज से निकालिए और लगा लीजिए और ये एकदम आपके फेस के ऊपर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगा. सो फ्रेंड्स देखिए कितने
कितने सुंदर प्रिटी पपाया पीसेस आर रेडी। बहुत ही अच्छा आफ्टर इफेक्ट होता है इनका आपके स्किन के ऊपर। पपाया बहुत जल्दी एंटी एजिंग का काम करता है और ये आपके स्किन के ऊपर 2-3 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स देगा। आप इसको बनाकर अपने फ्रिज में रख दीजिए और एनी टाइम आप इसको यूज़ करिए। और एट हैंड है, ये अप्रोचेबल है, आपको बार बार मेस्ड अप वर्क नहीं करना पड़ेगा कि बार बार आप पपाया के पल्प को आप क्रश कर रहे हैं। ये आपने अपने फ्रिज के अंदर बना के रख दिया एंड इट्स रेडी टू यूज़। सो फ्रेंड्स, बालों के लिए आप पहले सबसे पहले आप पपाया को पीस लें अच्छे से और बहुत अच्छे से उसको ग्राइंड कर लें ताकि उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं रह जाएं जो आपके बालों पर चिपकें। और उसके बाद आप उसमें आधा कप दही मिला लें और साथ में थोड़ा सा हनी मिला लें साथ में और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिला लें और इसको आप अपने बालों पर लगाएं तो बहुत अच्छे बाल बहुत अच्छे शाइन करने लग जाएंगे। आप आधा घंटा लगा के छोड़ दें, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा आपको अपने बालों पर। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बाय बाय।